छत्तीसगढ़ के पखांजूर इलाके में नक्सलियों ने देर रात मोबाइल टावर में आगजनी की। घटना पीवी 45 की बताई जा रही है, जहां 15 से 20 की संख्या में पहुंचे नक्सलियों ने जियो टावर में आग लगा दी। एसपी शलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि की है। तो टावर में आगजनी करने के बाद नक्सलियों ने घटनास्थल पर भारी मात्रा में पर्चे भी फेंके और पुलिस पर नक्सल लीडर दर्शन पड्डा को झूठे मुकदमे और मुठभेड़ में मारने का आरोप लगाते हुए 22 नवंबर को उत्तर बस्तर के कांकेर नारायणपुर कोंडागांव बंद बुलाया है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने रविवार रात करीब 8 बजे संगम गांव के नज़दीक पीबी 45 में टावर की मशीन और बॉक्स में आग लगा दी। मौके पर पर्चे छोड़कर भाग खड़े हुए।